अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इफ्तार प्रिपरेशन से। तो यहाँ पे मैंने दो बंडल पालक कट कर लिए हैं, चने की दाल और मूंग की दाल मैंने सहरी में ही भिगो दी थी जिसे पीस लिया है, दो अनियन कट कर लिए हैं, ग्रीन चिली कट कर ली है और इसमें डाल दिया है चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आज पालक के पकोड़े बना रही हूँ, और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं भेजूँगी ये बच्चे जो है ना मस्जिद में। काफ़ी दिनों से ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझको मस्जिद में भी अफ्तारी तो नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ बना के भेजना है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं ना पालक के पकोड़े बनाऊंगी और भेजूंगी। तो यहाँ सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया है 1 से 1.5 कप के करीब बेसन, और ये पालक जो है ना वो धीरे धीरे अपना पानी छोड़ता है, तो इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए इसमें, तो हम इसे रख देंगे साइड में थोड़ी देर के लिए और फिर हम इसे बाद में फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है गार्लिक और ग्रीन चिली, इसे बस इसी तरह से हमें क्रश कर लेना है। तो आज मैं अफ्तार में बना रही हूँ बटाटा वड़े, और ये मुझे बहुत पसंद है और घर के बने हुए स्पेशली मुझे अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसमें डाल दिया है राई और ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला है, साथ में क्रश किया हुआ गार्लिक और एक ग्रीन चिली जो थी ना वो मैंने डाल के इसे हम भून लेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे टर्मरिक पाउडर, और इसे भी भूनने के बाद सॉल्ट डाल के भूनने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और पैन में मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब बटर। बटर जैसे ही मेल्ट होगा मैं इसमें डाल लूँगी गार्लिक, और इसे हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप के करीब मैदा, और मैदे को ना अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन चीज़ बन की, बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी रेसिपी है और इजी तो है ही, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैदा अच्छी तरह से भून गया, तो मैंने इसमें आधा गिलास जो है ना पानी डाल दिया है, और अब सारी मैदे को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे, एक भी बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे, तो बिल्कुल इस तरह से क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन मसाला 2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स डाल दिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, वाइट पेपर पाउडर डाला है, साथ में डाला है पिज़्ज़ा मिक्स, और चिकन मैंने बॉईल करके रखा था उसे श्रेडेड करने के बाद इसमें डाला है मैंने, और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मेल्टेड चीज़। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला और जो चिकन है वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए, तभी इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना तो हमारी फीडिंग रेडी हो जाएगी। तो बस इसमें इतना ही काम होता है, आगे का जो स्टेप है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे मुझको कलर थोड़ा सा रेड चाहिए था इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है, उससे थोड़ा सा कलर जो है ना चेंज हो गया था। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे रख देंगे साइड में ताकि ठंडा हो जाइए।
अब देखिए यहाँ पे बटाटे वड़े के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था वो ठंडा हो गया था, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू है ना बॉईल करके इस तरह से तोड़ के डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर लिया है। तो हमारे बटाटे वड़े का मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो गया है। बस अब इसे वो बेसन में हमें डीप करके फ्राई करना होगा। यहाँ पे मैंने 6 पाव ले लिए, ये नॉर्मल स्लेस पाव जो होते हैं वही है, उसे बीच में से कट कर दिया है। और अब हमने जो चिकन का मिक्सचर रेडी किया था ना वो इसमें अच्छी तरह से लगाएंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से फील करना है इसको। तो ये जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें चीज़ होता है, चिकन होता है, बच्चों को चीज़ वाली कोई भी चीज़ हम देंगे ना तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे बल्कि कोई भी चीज़ शौक से खाएंगे। आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम हो गया, कैरेट, कॉर्न हो गया, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो है ना अवॉइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ ले लिया है और इसको इस तरह से कट करके मैं एक एक बन में रखते जा रही हूँ स्लाइस में। और अब मैं इस पे रख रही हूँ मोज़रेला चीज़, तो इससे जो है ना बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है। मोज़रेला दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है पाव का वो रख देंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा लगा दूँगी बटर, और बटर लगाने के बाद अगर आपके पास सेसमी सीड्स है तो वो आप डाल सकते हैं। और फिर ओवन में रख देंगे 10 मिनट के लिए, या जब तक के चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो हमारे ये चिकन चीज़ बन जो है ना रेडी हो जाएंगे। मैंने साथ में फ्राई किया है फ्रेंच फ्राई, और इससे मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया पालक के पकोड़े फ्राई करने, क्योंकि ये मुझको जल्दी भेजना था मस्जिद में, तो मैंने सोचा कि पहले ही इसको फ्राई कर लेती हूँ और साथ साथ हमारी अफ्तारी दूसरी चीज़ें भी जो है ना बनती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फ्राई करके ये बहुत क्रिस्पी बने थे और टेस्टी भी थे, क्योंकि थोड़े बहुत मैंने रख लिए थे घर में खुद की अफ्तारी के लिए। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत क्रिस्पी ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो फ्राइज फ्राई किए थे ना उसके साथ में मैंने चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई किया था, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा सॉस, थोड़ा सा मायोनीज, और थोड़ा सा स्प्रिंकल किया मैंने पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे देखिए हमारे बटाटे वड़े भी रेडी हो गए, सारी अफ्तारी रेडी हो गई है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको सारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको सबसे बेटर रेसिपी कौन सी लगी। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।